माय चैनल। आज मैं एक नए रेसिपी के साथ आई हूँ जो अरवी की सब्जी की रेसिपी है। ये अरवी है, एक सूखी मसालेदार अरवी की सब्जी है। बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो मैंने यहाँ पे दो आलू, चार अरवी लिए थे। इसको मैंने अच्छी तरह उबाल लिया था, उबाल के इसका छिलका निकाल के ऐसे पतले पतले काट लिए थे। आलू को भी ऐसे उबाल के अच्छे पतले पतले काट लिए थे और अरवी को भी उबाल के ऐसे पतले पतले काट लिए, इसके सारे छिलके निकाल लिए के बाद। इसके अलावा हमें यहाँ चाहिए एक मसाला। ये मसाला जो हमने घर में बनाया है इस सब्जी के लिए, इसमें मैंने ये घर में बनाया मसाला इस सब्जी के लिए, मैं स्पेशली ये मसाला घर में ही बनाती हूँ। तो इस मसाले में मैंने डाला है एक सूखी लाल मिर्च, एक बड़ी वाली। उसके अलावा दो बड़े चम्मच धनिया, और जो साबुत धनिया होता है वो धनिया, और एक चम्मच जीरा वो भी साबुत। इन सबको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। पहले मैंने गरम तवे में सूखी लाल मिर्च को थोड़ा सा ब्लैक होने तक फ्राई किया, उसके बाद मैंने उसी में दो बड़े चम्मच धनिया का साबुत धनिया उसको थोड़ा हल्का रोस्ट कर लिया, उसके बाद एक चम्मच साबुत जीरे को डाल के सारे को एक साथ अच्छी तरह से फ्राई करके, फ्राई करने के बाद इसे मैंने सूखा सूखा इस तरह से पाउडर बना लिया। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, जब आप बनाएंगे तो पता चलेगा पूरा घर महक जाएगा। तो इसमें ग्राइंडर में मैंने पाउडर बना के रखा है। बनाने से पहले मैं ये पाउडर यूज बनाती हूँ, आप उसी टाइम ये बना के खत्म कर दे, उतना ही बनाती हूँ जितना मुझे सब्जी के लिए जरूरत हो, एक्स्ट्रा मैं नहीं बनाती, क्योंकि इसको रखने से स्टोर कर इसकी स्मेल जो है वो चली जाएगी, इसलिए इसे स्टोर नहीं कर सकती। तो चलिए, हमारा ये तेल है, मैंने यहाँ रिफाइंड तेल लिया है, दो बड़े चम्मच रिफाइंड तेल है। अब मैं गैस ऑन कर रही हूँ और तेल को गरम कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले की भी ज़रूरत नहीं है, और ये आप रात को रोटी के साथ खा सकते हैं या पराठे के साथ खा सकते हैं या नाश्ते में भी इसे परोस सकते हैं। चलिए, इसमें ना छौंकने के लिए कुछ नहीं डालना, सिंपल रेसिपी है जो झट से बनने वाली है। खैर, हमारा तेल तो फिलहाल गर्म हो गया, तो मैं क्या करूँगी, जो उबले हुए अरवी है उसमें हल्का सा फ्राई करूँगी। तो मैं अभी उबले हुए अरवी को तेल में डाल रही हूँ। सावधानी से डालिएगा, तेल से जो तो छीटा मारेगा, मुझे मार रहा है छीटा, इसलिए बोल रही हूँ। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई, इसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे ताकि अरवी के अंदर नमक घुस जाए। तो यहाँ मैं स्वाद अनुसार भी नहीं, उससे भी कम थोड़ा, मैंने आधा चम्मच नमक डाल दूँ, बाद में हम डालेंगे, इसलिए सब हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा हिलाइएगा नहीं तो ये उबला हुआ है तो ये टूट जाएगा, तो ये डाल के थोड़ी देर के लिए वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए, हमारे अरवी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसे हम उतार लेंगे। इसमें और थोड़ा तेल डालेंगे, देखिए पूरा तेल अरवी ने, इसमें मैं और दो चम्मच तेल डालूंगी। अब इसे मैं ये आलू जो हमने उबाल के रखे थे ये भी डाल दूंगी। इस आलू को भी मैं फ्राई कर लूंगी थोड़ा तेज आंच में, इसको भी ज्यादा हिलाएगा नहीं तो ये आलू टूट जाएंगे। इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारे आलू अब फ्राई हो गई है, और जो हमने अरवी फ्राई की थी उसको भी इसमें डाल देंगे। वापस डालने के बाद इसमें मैं नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। नमक आप याद रखिए, पहले भी हमने नमक डाला है तो उस हिसाब से नमक डालिएगा, नहीं तो नमक ज्यादा हो जाएगा। अब ये मसाले हमने जो रेडी करके रखे थे वो डाल देंगे। ये इतना स्वादिष्ट होता है, जब आपको आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। इसका पाउडर अच्छी तरह से निकाल दूं।
इसको मैं मिक्स करूंगी। इसमें बस फ्राई करने के लिए जितना टाइम लगता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, झटपट बन जाता है ये। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, धीमी आंच में कीजिएगा, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। देखिए अब जितना तेल डाला था वो सारे मसाले ने चूस लिया, यानी अब्सॉर्ब कर लिया। तो हमारी सब्जी अभी बनके तैयार है, अब इसे हम सर्व करेंगे। हमारी सूखी मसालेदार अरवी की सब्जी बनके तैयार है। इसे आप रोटी, पराठा या फिर पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। मुझे तो फिर भी लगता है रोटी के साथ ही ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपीज आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।